इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएस वीजा के लिए आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और आपको फीस कैसे पे करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने को यूएस वीजा के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, फिंगरप्रिंट की के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है और पेमेंट कैसे करना है। ये अपॉइंटमेंट बुक करने के पहले अगर आपने DS-160 फॉर्म नहीं भरा है तो पहले आपको DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके, इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो पहले देखिए, DS-160 भरिए, उसके बाद ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आता आप गूगल में टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन टाइप करेंगे हाउ टू बुक यूएस वीजा अपॉइंटमेंट इन इंडिया। इसकी लिंक, डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हो या तो गूगल से सर्च करके भी जा सकते हो। अब ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी USTravelDocs.com, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे लिखे रहेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये शेड्यूल माय अपॉइंटमेंट लिखे रहेगा, उस पर आप क्या करिए, क्लिक करिए। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, चेंज योर अपॉइंटमेंट। अगर पहले से अपॉइंटमेंट बुक किया हो उसको डेट चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक अपन ने बुक भी नहीं किया तो अपन पहले शेड्यूल करेंगे, ठीक है। अब ये वेबसाइट खुल गई, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप अपना क्या बनाओगे, न्यू यूज़र में क्लिक करोगे और अपना अकाउंट बनाओगे। जैसे फेसबुक में अकाउंट बनाते हैं, नाम भरना है, ईमेल आईडी भरना है और फिर लॉगिन करना है, न्यू यूज़र दबाना है। अब यहाँ पे आके आईडी बनाना है, ठीक है। तो ईमेल आईडी में मैं डाल दे रहा हूँ अपनी, फर्स्ट नेम क्या है अपन डाल देते हैं अंकुश, लास्ट नेम क्या डाल देते अपन शर्मा, है ना। पासवर्ड अब ये कैप्चा कोड भर देना है। ये अपन कर रहे हैं क्योंकि अपने को अपॉइंटमेंट बुक करना है, ठीक है। अब ये खुल गया, सबसे पहले आपको बुक करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है, ठीक है। तो ये न्यू एप्लीकेशन क्लिक किए, ठीक है। उसके बाद बताया इमिग्रेंट वीज़ा है कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ठीक है। इमिग्रेंट मतलब जाओगे और वहीं पे बस जाओगे, नॉन इमिग्रेंट मतलब वापस आओगे। तो ये क्लिक करो नॉन इमिग्रेंट में, फिर करो कंटिन्यू। अब वो बोल रहा है आप कौन से स्टेट में आप रहते हैं, तो उसके पास में जो भी एम्बेसी होगी वो उसको बुक कर देगा। इंडिया महाराष्ट्र। उसके बाद आप क्या दबाओगे, कंटिन्यू। कौन सी लैंग्वेज देना है, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये वाले ऑप्शन है, ठीक है। मुंबई में गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। अगर आप दूसरे जगह पे जाओगे, जैसे कि मान लो मैं तमिलनाडु सिलेक्ट करता हूँ, तो वहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो आपका लैंग्वेज का चेंज हो जाएगा। देखो, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, इंग्लिश है। तो आप जो भी सिटी चूज़ करोगे तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज रहती है वो उसको दिखाता है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ इंडिया महाराष्ट्र। उसके बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो अपन ले लेते हैं हिंदी, ले लेते हैं इंग्लिश भी ले सकते हो, मराठी भी ले सकते हो, गुजराती भी ले सकते हो। अब वो क्यों जा रहे हो भाई, बिजनेस टूरिज्म है कि स्टैंडर्ड स्टूडेंट और
स्टूडेंट ऑफ एक्सचेंज विजिटर है तो मैं बिजनेस टूरिज्म डाल देते हैं अपन, ठीक है। अब वो बोल रहा है विजिटर फॉर बिजनेस है, विजिटर फॉर बिजनेस एंड प्लेजर है, विजिटर फॉर प्लेजर और मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो आपको जो भी टाइप का वीज़ा है वो आप डालो। अगर आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे वो भी करोगे, बिजनेस का भी कोई मीटिंग है, तो मैं तो डाल रहा हूँ B2 डाल रहा हूँ। अभी पूरा डिटेल में वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ है क्या है कैसा है, उसके बाद आप क्या करो कंटिन्यू। उसके बाद ये बता रहा है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है ये है, मैं दबाया कंटिन्यू। ठीक है, ये क्या बता रहा है, जो भी मैं दिया हूँ डॉक्यूमेंट दिया हूँ वो सही है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं अब क्या चाहता हूँ, मैं ये चीज़ को पूरा चीज़ आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अपने को पूरा वो चीज़ को सही सही भरना है ना। मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी डेट भर दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सही सही सब कुछ भरना है। जो DS-160 का कन्फर्मेशन नंबर था वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो अपना कन्फर्मेशन नंबर क्या था वहाँ पे, आप यहाँ पे आके देख सकते हो, और इसको क्या कर लेना है, आपको कॉपी कर लेना है। अभी नंबर भी है 007 जेम्स बॉन्ड वाला आ गया भाई। डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ये पूरी चीज़ें मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर उसको सही सही डालना है जो भी डालना है। ठीक है, अब ये आ गए कंटिन्यू वाले पे आ गए। अब मान लो क्या बोल रहा है इसमें, अगर आप लोग क्या है फैमिली के साथ जा रहे हो तो ऐड बाय नेम करके यहाँ क्लिक करके फिर कौन जा रहा है उसका DS-160 नंबर क्या है ये पूरा एक साथ भरना है। तो आपका पूरे लोग का इंटरव्यू एक साथ हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद वो भरना है, और उसके बाद क्या करना है कंटिन्यू करना है। अगर 14 साल से नीचे के क्या बोल रहा है क्या, तो बोलना है नो, अगर दबाओगे तो आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 80 साल क्या बोल रहे हो, आर यू 80 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, अगर 80 साल के हो या उससे ज़्यादा हो तो भी आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले आपके पास B2 वीज़ा है क्या, नो, अगर यस बोलोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा और आपको सही सही बताना है। अब देखो दो ऑप्शन होता है भाई, पिकअप ऑप्शन होता है, जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप वहीं पे जाके आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपका लोकेशन होगा वहाँ से जाना है। अब दूसरा होता है प्रीमियम होम डिलीवरी ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि आपको घर पे वो पहुँचा के देगा, ठीक है। तो आपको प्रीमियम उसका अलग से चार्जेस है, कुछ लिखा होगा यहाँ पे 500 रुपये है, ठीक है।
मैं बोलता हूँ अगर आपको एकदम अर्जेंट में चाहिए पासपोर्ट तो खुद ही जाके पिकअप कर लो, और प्रीमियम होम डिलीवरी भी कर सकते हो। तो मैं क्या किया हूँ, पिकअप कर लिया हूँ, ठीक है। सिलेक्ट सिटी क्या, मैं भाई जहाँ से दूंगा मैं वहीं से अपना पासपोर्ट ले लूँगा। जहाँ पे मेरे को करना है सिलेक्ट, उसके बाद मेरे को क्या करना है, कंटिन्यू। अब ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि पैसा वापस नहीं होगा, तो अपन दबाएंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखा जाए तो तीन ऑप्शन है। पहला तो है NEFT के थ्रू भेजना है, सेकंड है मोबाइल IMPS सर्विस जिसमें आप मोबाइल से भेज सकते हो, और तीसरा है ओवर द काउंटर। तो ये तीनों मेथड ऐसे ऐसे हैं कि अगर आपको NEFT से करना है तो अपन क्लिक कर लेते हैं NEFT में। अपन तीनों ऑप्शन को एक एक बार देख लेते हैं कि क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप NEFT से सेंड कर रहे हो, है ना, ये लिखा हुआ है करंटली वी डिड नॉट एक्सेप्ट ओवरसीज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, यू कैन ओनली मेक द पेमेंट इफ यू हैव अ मेंटेन अ रुपी बैंक अकाउंट इन इंडिया। मतलब कोई NRI है तो वो बस कर पाएगा अगर उसके पास इंडिया से कोई अकाउंट है, तो जनरली अपने अकाउंट से अभी वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप अपनी जानकारी कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपको नंबर सेव रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करके रख लीजिएगा, इस नंबर को कॉपी करके रख लीजिएगा। अब अपन पहुंचते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो कि IMPS नंबर है। ये आपके मोबाइल में ऐप होगा, वो ऐप में MMID नंबर डालोगे, बेनिफिशियरी नंबर डालोगे, और ये जो है, ठीक है, ये नंबर डालोगे और उसके बाद आप ट्रांसफ़र करोगे कितना, 10,880 रुपये। तो आपके बैंक से ट्रांसफ़र होगा, इसको IMPS बोलते हैं। तो ये वाला मेथड आप देख लीजिएगा, और ये बोल रहे हैं 3 घंटे बाद वो एक्टिवेट होगा। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, सिंपल है, कि इसको आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। आपको पता है प्रिंट कैसे करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेना है और ये फॉर्म लेके चले जाना है बैंक में। अब वो बैंक में आपको लगा देगा, इसके ऊपर सील लगा लेगा, आपसे पैसे लेगा और वो ट्रांसफ़र कर देगा, और इस पर एक नंबर भी देगा वो आपको। ये एक सैंपल है, और अलग अलग बैंक का जो रिसिप्ट रहता है वो अलग अलग दिखता है, तो आपको जो रिसिप्ट नंबर है उससे मतलब है बस। तो आपको रिसिप्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, जो रिसिप्ट देंगे वो रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अभी मैं कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू दबाओगे। तो जैसे कि मैंने अभी पैसा पे नहीं किया है करके मेरे सामने ये स्क्रीन नहीं आ रही है, लेकिन आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन आ जाएगी जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है बॉक्स, वो मतलब उस डेट को फ्री है, आप उस डेट को अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सेम ऐसे ही कॉलम भी आएगा जिसमें आपको इंटरव्यू बुक करना पड़ेगा। OFC के दिन आपसे फिंगरप्रिंट लिया जाता है और इंटरव्यू डेट के दिन आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद OFC अपॉइंटमेंट बुक करना है। OFC अपॉइंटमेंट में क्या होता है, OFC अपॉइंटमेंट में आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। जब आपकी डेट दोनों फिक्स हो जाएगी तो आपको मेल में अपॉइंटमेंट लेटर वो भेजेंगे। आपको ये इस टाइप का अपॉइंटमेंट लेटर आपके मेल में आएगा। तो पहले OFC होगा, उसके बाद वीजा इंटरव्यू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा पसंद क्यों नहीं आया, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।